सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि लेटेस्ट खबरों के वीडियो आपको मिले सबसे पहले। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी AANI को इंटरव्यू दिया। शाह ने कहा कि जनगणना और NPR दोनों के साथ चलने वाली प्रतिक्रिया है, यह 10 साल में होती है, 2011 में हुई थी तो 2021 में होना बहुत ही जरूरी है। NPR हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा नहीं है, यह UPA सरकार का कानून है और अच्छी प्रतिक्रिया है। इसके लिए लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है, हर राज्य में दफ्तर बनाए जाने हैं। हम अभी नहीं करेंगे तो यह समय पूरा नहीं होगा, 1.5 साल की प्रतिक्रिया है, अभी भी हम थोड़ा लेट हो गए हैं। और भी शाह ने कहा कि 2004 में UPA सरकार ने कानून बनाया था जिसके तहत शुरू प्रतिक्रिया, 2010 में जनगणना के वक्त इस प्रतिक्रिया को शुरू किया गया। सरकार कुछ नया नहीं लाई है, NPR का कोई डेटा NRC के उपयोग में आ ही नहीं सकता, NPR में कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, अब कोई जानकारी मौजूदा नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें NPR में नहीं है, इसके आधार पर योजनाओं का खाका बनता, अगर कोई इसका विरोध करता है वह गरीबों का विरोध करता है। गुजरात में उड़ीसा UP बिहार से लोग बस गए हैं, अब इन लोगों के लिए कोई योजना बनानी है तो इसका आधार क्या होगा, ऐसे कितने लोग हैं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी देखने के लिए जुड़े अभी हमारे चैनल के साथ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के।